जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया, हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो कि गैलेक्सी में मौजूद हैं, टूट के छोटे छोटे बादलों में बदलते गए, जो कि उनकी खुद की ग्रेविटी में समा सकते हैं। जब ये बादल समाते हैं एक दूसरे में, तब एक एक एटम एक दूसरे से टकराते हैं और हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसों का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और ये टेम्परेचर तब तक बढ़ते रहता है जब तक ये इतना गर्म ना हो जाए कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्ट कर दे, और जितना भी हाइड्रोजन है तो गर्म होने पर हीलियम बन जाता है। जितनी भी गर्माहट इस रिएक्शन से निकलती है वो एक कंट्रोल्ड हाइड्रोजन बॉम्ब धमाके के तरह है, जो कि वही धमाका है जो एक तारे को चमकाता है। और तो और, ये गर्माहट गैस के प्रेशर को बढ़ाती है जब तक वो सफिशिएंट ना हो जाए ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए, और फिर उसके बाद वो गैस कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देती है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। और जो बादल बनते हैं वो एक साथ जुड़ के हमारे सूरज जैसे तारे बन जाते हैं। साथ ही साथ इसी प्रक्रिया में बर्निंग हाइड्रोजन हीलियम में और रेडिएशन हीट और लाइट में बदल जाती है। एक बार जब गर्म गैस के बादल एक साथ जुड़ के तारों में बदल जाते हैं, तब वो तारे जलते रहते हैं एक लंबे समय तक हीट के साथ न्यूक्लियर रिएक्शंस में से, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को बैलेंस कर रही है। हालांकि किसी भी तारे का फ्यूल यानी कि हाइड्रोजन गैस खत्म हो जाता है, और तो और एक तारा जितने ज़्यादा फ्यूल से शुरू होता है उसका फ्यूल उतनी ही जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि जिस वक्त एक तारे का जन्म होता है तब वो जितना बड़ा होता है उसे उतना ज़्यादा गर्म होना पड़ता है अपने ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए, और जितना गर्म वो होगा उतना ज़्यादा जल्दी उसका फ्यूल ख़त्म होगा। हमारे सूरज में अभी इतना फ्यूल बाकी है कि वो अभी अगले आने वाले 5 बिलियन साल तक जलते रहेगा। जब किसी तारे का फ्यूल ख़त्म हो जाता है तब वो ठंडा पड़ने लगता है और ग्रेविटी उसे कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है, और फिर ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो एटम्स को एक साथ जोड़ देता है, और वो तारा फिर से गर्म होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वो तारा गर्म होता है वो हीलियम गैस को भारी एलिमेंट्स में बदल देता है, जैसे कि कार्बन या फिर ऑक्सीजन। और फिर जब वो तारा वापस से गर्म होता है तब वो उतना गर्म नहीं हो पाता और उतनी एनर्जी रिलीज नहीं कर पाता जितनी उसे करनी चाहिए। इसके बाद जो होता है उसकी अभी तक सिर्फ थ्योरीज आई हैं, साइंटिस्ट को भी इसके बारे में अच्छे से नहीं पता है, लेकिन उन सब का मानना है कि जो तारा ठंडा पड़ जाता है और फिर से गर्म होता है तब उस तारे का सेंट्रल रीजन कोलैप्स होना शुरू हो जाता है, और कोलैप्स हो के इतना डेंस हो जाता है जिसकी हद नहीं। और उसी डेंस जगह को एक अमेरिकन साइंटिस्ट जॉन व्हीलर ने 1959 को ब्लैक होल का नाम दे दिया था, और फिर यहीं से शुरू होती है ब्लैक होल की कहानी। उसके बाद ब्लैक होल्स की दो थ्योरीज निकली। पहली थ्योरी थी कि ब्लैक होल पार्टिकल्स के बने होते हैं, और दूसरी थ्योरी थी कि ब्लैक होल्स वेव्स के बने होते हैं, पर अब की खोजों के हिसाब से दोनों थ्योरीज ही सही हैं। अगर उस थ्योरी को देखा जाए जिसके हिसाब से ब्लैक होल्स वेव्स के बने होते हैं, तो इस थ्योरी में ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि ब्लैक होल्स ग्रेविटी को कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे थे अगर ये वेव्स के बने हुए हैं तो। पर जब हम लाइट के बारे में सोचें कि वो पार्टिकल्स से बनी है, तब
शायद हम सब ये एक्सपेक्ट कर लें कि वो पार्टिकल्स ग्रेविटी से अफेक्ट होती हैं, उसी तरह जैसे कैनन बॉल्स, रॉकेट्स और प्लैनेट्स होते हैं। अब अगर हम एक तोप के गोले को किसी मशीन के द्वारा ऊपर आसमान में फेंकते हैं, तब वो रुक जाएगा और उसी स्पीड से नीचे गिरेगा जितने स्पीड से हमने फेंका था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस बात में क्या खासियत है, ये तो सबको पता है कि ये ग्रेविटी के वजह से होता है। पर मैं इस बात से ये नहीं बताना चाहता हूँ कि ये ग्रेविटी से होता है, बल्कि मैं आप लोगों को इस बात से ये बताना चाहता हूँ कि ये ग्रेविटी के वजह से तो होता है, पर इस प्रोसेस का क्या नाम है? तो इस प्रोसेस का नाम है एस्केप वेलोसिटी। तो हर ग्रह या फिर तारे की खुद की अलग अलग एस्केप वेलोसिटी होती। पहले के लोग ये सोचते थे कि लाइट के पार्टिकल्स इनफाइनाइट स्पीड से चलते हैं, इसलिए ग्रेविटी उन पार्टिकल्स को स्लो नहीं कर पाती। पर एक डिस्कवरी ने ये सिद्ध कर दिया था कि लाइट की खुद की एक स्पीड है, मतलब लाइट की स्पीड अनलिमिटेड नहीं है, जिसका मतलब कि ग्रेविटी का इसमें कुछ ना कुछ तो इफेक्ट है। तो जितना बड़ा कोई ग्रह या फिर तारा होगा, उतना ही कम उसकी एस्केप वेलोसिटी होगी। तो इसी अजम्पशन को लेते हुए 1783 में एक बार एक बच्चे ने मजाक में एक ऐसी बात पब्लिश कर दी अपने स्कूल मैगजीन में जो ब्लैक होल्स के बारे में, जिसमें ऐसा आर्टिकल लिखा था जिसने सभी साइंटिस्ट को हैरान कर दिया। और उसमें ये लिखा था कि अगर कोई तारा इतना बड़ा है जिसके पास इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी कि वो लाइट को भी रोक दे जो कि उसी तारे से निकल रही है, तब वो दुनिया का किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचते रहेगा और बड़ा होते रहेगा और वो होल बड़ा होते रहेगा। और आज इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। तो इसमें साइंटिस्ट को हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उस टाइम में, यानी कि 1783 में, साइंटिस्ट्स ने ब्लैक होल्स के बारे में आम जनता को बताया ही नहीं था। तो चलिए आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। पर आई होप कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपको कौन सा पार्ट इस वीडियो का सबसे अच्छा लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।